ऐतिहासिक विजय चौक पर गणतंत्र दिवस समारोह से जुड़ी रस्में हो रही हैं और आज बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन हो जाएगा, जश्न खत्म हो जाएगा। देश की आन बान और शान का ये पल कई मायनों में खास है। आज बीटिंग द रिट्रीट समारोह के दौरान 31 भारतीय धुनों से आकाश गुंजायमान हो जाएगा और ये समारोह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में होगा। साथ ही समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, ये सीधी तस्वीरें विजय चौक से आप देख रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं ये गाड़ियों का काफिला और जहां तक हम अंदाजा लगा पा रहे हैं फिलहाल ये गाड़ियों का जो काफिला आ रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां बस अब पहुंचने ही वाले होंगे कुछ देर में। तो विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। हमारे साथ स्टूडियो में तीन खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। जरा एक बार फिर से वही विजय चौक वाली तस्वीरें दिखा दीजिए दर्शकों को और इसी पर कमेंट लेना शुरू करते हैं अपने मेहमानों का। संजय सोई सर, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी किस तरीके से परिभाषित करेंगे आप इस खूबसूरत रस्म को? नहीं बिल्कुल रुमाना जी, वाकई में ये एक जिसको कहते हैं रिपब्लिक डे, जो गणतंत्र दिवस का आखिरी समारोह होता है और इसके द्वारा ये दर्शाया किया जाता है कि अभी ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर जितना भी इवेंट हुए थे, जितने बहुत गौरवमयी जो हमारे हुए थे समारोह, आज उसका आखिरी दिन है। और बीटिंग द रिट्रीट एक बताया जाता है कि जिस प्रकार से जब जंग खत्म होती थी या शाम के समय में फ्लैग डाउन होता था, तो ये बीटिंग द रिट्रीट उसको बिल्कुल। सर आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं विजय चौक पर। देखिए यहां सबसे पहले इस कार्यक्रम में जब अधिकारियों की बात की जाती है तो रक्षा सचिव पहुंचते हैं, उसके बाद वायुसेना प्रमुख, फिर नौसेना प्रमुख, फिर सेना प्रमुख, जिसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो अनिल चौहान साहब, जनरल चौहान, वो पहुंचे और अब आप देख रहे हैं रक्षा राज्य मंत्री के बाद रक्षा मंत्री, जिनके पहुंचने का समय ठीक 5 बजे था, तो शाम 5 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजय चौक पर पहुंच गए हैं और यहां पर बाकायदा प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी गणमान्य अतिथि जो हैं वो एक के बाद एक उनके पहुंचने का सिलसिला जारी। इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर उपराष्ट्रपति और अंत में राष्ट्रपति, जो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर, वो यहां पर पहुंचेंगी और फिर औपचारिक शुरुआत इस बीटिंग द रिट्रीट समारोह की होगी। जी संजय सोई सर। नहीं बिल्कुल, जैसा आप सही कह रही हैं कि ये बहुत प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है और एक के बाद एक, जैसे सीनियरिटी के हिसाब से आते हैं और एक एक मिनट, दो दो मिनट का गैप रहता है, बिल्कुल पंक्चुअल प्रोग्राम होता है, एक सेकंड का भी डिले नहीं होती। और वाकई में एक तरह से जो सेरेमोनियल फंक्शन है ये, और इसमें फिर बैंड डिस्प्ले, पाइप डिस्प्ले, ड्रम डिस्प्ले और ये सजे धजे ऊंट, जी हो रहा है, बहुत सुंदर माहौल लगता है। और यहाँ पर दिल्ली के सभी मिनिस्टर, सेना अधिकारी और आम जनता भी यहाँ पर बुक करके टिकट लेकर अटेंड कर सकती है, जो उसका की वेबसाइट के द्वारा, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वेबसाइट के द्वारा वो बुक करके यहाँ पर ये प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। बाकी आपका चैनल तो दिखा ही रहा है इतना शानदार प्रोग्राम जो पूरे देश को। लेकिन जो बात आपने कही ना कि यहाँ पर आम दर्शक भी जा सकते हैं और बड़ी तादाद में हर बार हम देखते हैं जो आम दर्शक है वो भी पहुंचते हैं वीवीआईपी के साथ साथ। देवनाथ सर, यहां बैठकर इसको देखना अपने आप में एक अलग अनुभव, एक अलग एक्सपीरियंस। जी हाँ रोमाना जी, बहुत ही हर्ष उल्लास और आनंद का माहौल होता है। मैं खुद अटेंड कर चुका हूं 2 बार एज ए ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव और मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा उल्लास होता है आज, बच्चे भी वहां पर हैं, बच्चों के लिए एक बहुत ही उत्सुकता और खुशी का मौका होता है। लेकिन मैं हिस्टोरिकल और ये तस्वीरें मुझे दिखानी होंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं इस समय विजय चौक पहुंच रहा है। ये आगे जैमर गाड़ियां हैं और दूसरी तरफ से टर्न लेती हुई ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला और ये ठीक वहीं पर आकर रुकेंगी गाड़ियां जहां पर अगवानी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आपने देखा आपसे कुछ देर पहले मैंने तस्वीरें दिखाई थी आपको, तीनों सेनाओं के प्रमुख खड़े हुए हैं, रक्षा सचिव वहां पर मौजूद हैं,
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वहां पर मौजूद हैं, रक्षा राज्य मंत्री वहां पर मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहले से ही मौजूद हैं, अगवानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करने के लिए। और ये देखिए, बस इस गाड़ी में आप देख पा रहे हैं आगे की सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर विजय चौक पर, आज के दिन की पहली तस्वीर नहीं है, क्योंकि आज दिन में हम सब ने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, परीक्षा पे चर्चा, और जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, खासतौर से वो जिन्हें बोर्ड एग्जाम्स देने हैं इस बार, उन्हें कैसे स्ट्रेस फ्री रहकर आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, उसके टिप्स दे रहे थे। और अब शाम होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय चौक पहुंच गए। लीजिए सीट बेल्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोल दिए, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से बाहर निकलेंगे, और यहां उनकी अगवानी के लिए पहले से ही ये देख रहे हैं आप पूरी तस्वीर, जहां कतार से रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, CDS, तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा सचिव सभी मौजूद हैं कतारबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए। और जो बात हम पहले कह रहे थे कि बाकायदा प्रोटोकॉल के तहत, और यही वो प्रोटोकॉल है जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का जो समारोह है उसमें भी बिल्कुल इसी क्रम में इस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विजय चौक पहुंच गए हैं, यहीं पर यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए, सबसे भेंट करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर खड़े होंगे ठीक रक्षा मंत्री के बराबर में। कैप्टन शाह, बिल्कुल इस खुशनुमा शाम को मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, चौथे दिन ये 75वें गणतंत्र दिवस की शाम को आप देख रहे हैं रायसेना हिल की तरफ से जो आपने इंटोरेंस देखा प्रधानमंत्री का नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के बीच से, और वो अपनी जगह पे खड़े हो गए हैं, रक्षा मंत्री, राज्य रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और अब तो लोगों की तस्वीरें दिख रही हैं, और लोगों के चेहरे देखिए किस तरीके से खिल गए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच गए। और ये बढ़िया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है फिलहाल रक्षा मंत्री से बातचीत कर रहे हैं, तो इसलिए पीठ उनकी नहीं है एग्जैक्टली लोगों की तरफ, इसीलिए जो पीछे दर्शक है जरा देखिए वो किस तरीके से अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए हैं, और किसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, उनको नजदीक से देखना चाहते हैं, और अब कैमरे पर आ रहे हैं, उन्होंने ये भी देख लिया। लीजिए राष्ट्रपति भवन के भीतर से ये पहली तस्वीर, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से बाहर आते हुए, और यहां पर हमेशा जिस तरीके से राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलती हैं अपने अंगरक्षकों के साथ, उसी रूप में आज भी राष्ट्रपति का काफिला पहुंचेगा विजय चौक पर। देवनाथ सर, जी हाँ रोमाना, बहुत ही गरिमापूर्ण एक व्यवस्था होती है जिसमें राष्ट्रपति के जो ADC हैं वो और प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड एक बहुत सम्मानपूर्वक और उत्तरदायित्व के साथ राष्ट्रपति को इस परेड में आज लेके जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जितने अटेंडेंट हैं वो सब एक पूर्व निर्धारित स्थान पर खड़े हैं और एक विशिष्ट तरीके से परेड करते हुए, जिसे हम फौज में बोलते हैं धीरे चाल, धीमी चाल यानी स्लो मार्च से वो राष्ट्रपति को लेके जा रहे हैं। एक एक सीढ़ी पर वो नपतौला कदम रखते हैं, और खास बात यह है कि हर ADC के लिए ये एक जीवन में सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट क्षण है। ये दिखाता है कि भारत में राष्ट्रपति जी जो हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी, वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सर्वे सर्वा हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। ये दर्शाता है कि भारत में हमारी जो फौजें हैं फाइनली सुप्रीम सिविलियन कंट्रोल के नीचे आती हैं। रोमाना जी, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, प्रोटोकॉल में आपने देखा होगा कि 26 जनवरी 15 अगस्त आज के दिन भी हर जगह डिफेंस सेक्रेटरी भी सामने खड़े होते हैं जी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, रूल बुक में लिखा हुआ है कि डिफेंस सेक्रेटरी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस ऑफ इंडिया, रक्षा सचिव। कितनी बड़ी बात है, मेरे ख्याल से दुनिया के बहुत कम देशों में ऐसा फॉलो किया जाता है। अब यहाँ पर सलामी दी जाएगी, पहले यहाँ पर राष्ट्रपति के अंगरक्षक उनको सलामी देंगे। बिल्कुल, ये जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक है, सेना में सबसे सीनियर मोस्ट रेजिमेंट होती है, सबसे नंबर सुन लेते हैं सर, जरा सुन लेते हैं सलामी दी जा रही है। बेहद सुंदर ये दृश्य हैं, बेहद विहंगम ये दृश्य हैं, जहां पर
रायसेना हिल्स और दोनों तरफ आप नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक देख रहे हैं और बिल्कुल सामने राष्ट्रपति भवन की तस्वीर और ये इस समय उपराष्ट्रपति जो पहुंच गए हैं विजय चौक पर। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से क्रमवार तरीके से होता है, उधर राष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रपति भवन से निकलेंगी और उससे पहले ही उपराष्ट्रपति पहुंच गए हैं विजय चौक पर। अभिवादन करते हुए सब वहां मौजूद अति विशिष्ट मेहमानों से मुलाकात करते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बराबर में आकर अब उपराष्ट्रपति आपने देखा थोड़ी देर के लिए रुके और इसके बाद अपने स्थान की ओर वो बढ़ते हुए। जनसोई आप अपनी बात पूरी कर रहे थे। अच्छा नहीं, ये तस्वीरें दिखानी होंगी हमें, राष्ट्रपति भवन से बाहर आता हुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये काफिला और ये राष्ट्रपति अंगरक्षक प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। हमेशा ये तस्वीर जो है वो बेहद आकर्षक लगती है, इसमें खास तौर से आकर्षित करते हैं ये घोड़े जो करीब 15.5 बालिश ऊंचे होते हैं और उस पर जो सवार हैं वो सब 6 फुट लंबे होते हैं। इसीलिए ये खूबसूरती इन दृश्यों अपने आप हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचती है और बहुत ही खास अंदाज, वही बग्गी जैसे 26 जनवरी को राष्ट्रपति पहुंची थी गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने के लिए। विदेश से आए मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी उनके साथ इसी बग्गी में सवार थे। आज एक बार फिर उसी बग्गी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने अंगरक्षकों के साथ विजय चौक की ओर आगे बढ़ती हुई। जी ना, बिल्कुल, आप देखिए कितने कलरफुल ड्रेस लगती है और बिल्कुल डिसिप्लिन से चलते हैं, जो हॉर्सेज की इनकी बड़ी ट्रेनिंग होती है और जैसा आप बता रहे प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड जो है ये एक्चुअली में बड़े ट्रेन सोल्जर्स रहते हैं, हर तरह से माहिर होते हैं, पैरा जंप्स में और ऑपरेशंस में भी हिस्सा लिया हुआ है, पीस कीपिंग ऑपरेशन में भी इन्होंने हिस्सा लिया हुआ है और एक तरह से 6 फुट से लंबे और उनकी लगातार ट्रेनिंग चलती रहती है। ये खाली बॉडीगार्ड नहीं, ये हर तरह से मिलिट्री ट्रेनिंग में पूरी तरह से पारंगत होते हैं और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। प्रेसिडेंट जो देश के सुप्रीम कमांडर हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, चाहे वो सेरेमोनियल हो या सुरक्षा हो। और आज देखिए इतना सुंदर लग रहा है जो दृश्य, इतना व्यंगम दृश्य नजर आ रहा है, एक तरह से धीरे धीरे एक कदम से कदम मिलाकर एक साथ से आगे बढ़ते हुए। तो यहाँ घोड़ों की ट्रेनिंग, इनकी ट्रेनिंग, ये सब चीजें बहुत अच्छा हुआ आपने घोड़ों की ट्रेनिंग का जिक्र कर दिया कैप्टन शाम, क्योंकि जितनी खूबसूरत और आसान सा ये पूरा का पूरा नजारा दिख रहा है, दरअसल इसके पीछे ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है। ये इतनी आसान कदम चाल इस वक्त घोड़ों की बदमस्ती जो नजर आ रही है, दरअसल इसके लिए कड़ी प्रशिक्षण पीछे, इसके मेहनत कड़ी। बहुत ही सही कहा आपने, बिना ट्रेनिंग के परिश्रम के ये जज्बा देखने को नहीं मिलता। जाहिर है कि इसके जो सीनियर मोस्ट रेजिमेंट है ये 250 साल पुरानी, ये गार्ड्स जो है सिर्फ गार्ड्स नहीं है, ऑपरेशनल यूनिट है जो राष्ट्रपति की सुरक्षा के साथ साथ बॉर्डर पे कई ऑपरेशंस में, ऑपरेशन पवन श्रीलंका विदेशों में अपनी ध्वजा फहरा रखा है इन्होंने और यहाँ पे एक सेरेमोनियल के रूप में काम करते हैं और साथ साथ पूरे देश को, पूरे विदेशों में जो छवि बनी हुई है इनकी बहुत दिनों से राष्ट्रपति के अंगरक्षक के रूप में, भव्य घोड़ों पे बलिष्ठ सवार, एक तरह से चुस्त दुरुस्त, बड़ी ट्रेनिंग के साथ, बड़ी बड़ी भावना के साथ ये अपना काम करते हैं। आपने इनकी चटक सलूट देखी है, इनका आपने तरीका देखा है मार्च करने का, इनके घोड़ों का तरीका देखा है, सब परेड का हिस्सा है। एक कठिन परिश्रम, एक सुनियोजित ढंग से इनकी कार्रवाई और उसके बाद आज के दिन में इनका ये सेरेमोनियल्स। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।